स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक नई वैकेंसी की अपडेट लेके आ रहे हैं। ये वैकेंसी आती है उत्तर प्रदेश से और इसमें कुल मिला के 2500 प्लस पोस्ट हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चलिए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। देखिए यही नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसी आती है UPPCL से। यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए है 227 पोस्ट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए है 2296 पोस्ट। तो इसमें से जो मेन चीज़ है आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो है एज। तो आपकी एज कैलकुलेट होती है 1 जनवरी 2016 को कैलकुलेट होगी। देखिए एक साल पहले कैलकुलेट हो रही है। इस दिन आपकी मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आपकी अर्हता है मतलब एजुकेशन, तो आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग देनी है जो हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं कि लिखित एवं दक्षता परीक्षा। तो यहाँ पे एक दो लिखित परीक्षा होगी और एक टाइपिंग होती है और जो पेपर होगा वो दोनों कंप्यूटर पे होगा। दोनों पेपर में से जो पहला पेपर होगा वो केवल कंप्यूटर के लिए होगा। उसमें 50 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। आपको उन 50 प्रश्नों में से कम 20 प्रश्न सही करने होंगे और 20 प्रश्न सही करने का मतलब कि आपको कम से कम 20 नंबर आने ही चाहिए। ये 20 नंबर अगर पहले पेपर में आएगा तो ही आपके सेकंड पेपर की कॉपी चेक होती है। अगर आप इस पहले पेपर में 20 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका सेकंड पेपर की कॉपी चेक नहीं होगी, वैसे ही आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप 20 नंबर पा जाते हैं तो उसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा उसकी कॉपी चेक होती है। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए कि सेकंड पेपर में GS पूछा जा रहा है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। रीजनिंग है 45 क्वेश्चन 45 नंबर के लिए। सामान्य हिंदी 55 क्वेश्चन और सामान्य अंग्रेजी 55 क्वेश्चन। तो कुल मिला के क्वेश्चन हो जाते हैं 180 और आपका मार्क्स हो जाते हैं ये भी 180। और जो हिंदी और अंग्रेजी है वो इंटरमीडिएट लेवल से पूछी जाएगी, इसका मतलब थोड़ी सी टफ होगी अदर परीक्षाओं से। तो इस प्रकार जो पहला और दूसरा पेपर है ये दोनों का कट ऑफ जोड़ने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है और ये टाइपिंग 5-5 मिनट के लिए होगी। और इसमें जो हिंदी का फंट यूज होता है वो होता है कुर्तीदेव 010 या 016। तो इसमें कोई सस्पिशन नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे। और आपको हिंदी में टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में आनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट। यहाँ पर देखिए टाइपिंग के लिए नंबर दिए जा रहे हैं 20 नंबर। हालांकि ये 20 नंबर तभी मिलेंगे जब कम से कम आप 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 35 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में ला ही देंगे। अगर आप इससे कम लाते हैं तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपको 20 से एक आध नंबर कम मिलेगा। अगर इससे थोड़ा भी आप कम लाते हैं स्पीड तो आपको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको मिनिमम हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट लाना ही लाना है। और आगे बढ़ते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। तो यहाँ पे भी सेम क्वालिफिकेशन है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्टेनोग्राफर में मिनिमम 60 वर्ड प्रति मिनट की अनिवार्यता होनी चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग में हिंदी आपको 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए। और इसका भी प्रोसेस सेम टू सेम है, इसमें भी दो पेपर होते हैं। पहला पेपर ट्रिपल सी लेवल का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन एक नंबर के होंगे, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। अगर पहले पेपर में आपके मिनिमम 20 अंक पाएंगे तभी सेकंड कापी चेक होगी आपकी। सेकंड का भी सिलेबस सेम टू सेम है आप इस असिस्टेंट के लिए के जैसे। और आगे है कि आगे बढ़ते हैं, कुछ खास है तो बता देते हैं। अनिवार्यता अर्हताएँ प्रमाण पत्र, यहाँ पे वही प्रमाण पत्र क्या क्या लगाना है वही इसी को है। ये सब आपको शॉर्ट लिस्टेड हो जाने के बाद ही दिखाना है, उसके पहले कुछ नहीं दिखाना है। यहाँ है कि आयु में छूट, तो OBC और SC/ST कैंडिडेटों के लिए नियमानुसार आयु में छूट भी मिल रहा है 3 वर्ष का और 5 वर्ष का, और जो विकलांग कैंडिडेट होंगे उनको 15 वर्षों की छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है कि आवेदन शुल्क। तो जनरल कैंडिडेट OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित और भूतपूर्व सैनिक वाले कैंडिडेटों को पेमेंट करना है 1000 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए, और SC/ST कैंडिडेटों के लिए है 700 रुपये और हैंडीकैप कैंडिडेट को केवल 10 रुपये का पेमेंट करना है। तो यही पेमेंट है। और आगे बढ़ते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आपको ये वेबसाइट दी गई है UPPCL.org, यहीं पे जाके आपको ऑनलाइन करना है।
हालांकि आज अभी 12 दिसंबर है और ये ऑनलाइन होता है 14 दिसंबर से। तो आइए बढ़ते हैं आगे, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ है कि आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि है 14 दिसंबर से शुरुआत हो रहा है और इसकी अंतिम तिथि है 29 दिसंबर और आप शुल्क जमा कर सकते हैं 30 दिसंबर तक और इसके पेपर होने का डेट है जनवरी महीने में 2018 में। हालांकि इसके कमी चांसेस हैं क्योंकि ये फॉर्म चौथी बार भरा जा रहा है। अभी उम्मीद है कि सरकार दो तीन बार और इसको भरवाएगी, उसके बाद ही यहाँ कुछ होने वाला है। ये फॉर्म फिलअप होना शुरू होता है 14 दिसंबर को, तो उस दिन के बाद आप कभी भी जाके इसको फिलअप कर सकते हैं 29 दिसंबर से पहले। और हालांकि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो एग्ज़ाम डेट जनवरी में दिखा रहा है अभी होगा नहीं। अभी तक तो हमें भी लग रहा था कि हो जाएगा, सरोगा वाले एग्ज़ाम के बाद इसका कुछ सुनवाई हो, लेकिन जब ये चौथी बार भरा जा रहा है तो उम्मीद है कि दो तीन बार और भरा जाएगा, तब तक 2019 भी आ जाएगा और सरकार के लिए अच्छा खासा पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा। जो भी हो, इसमें जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। फाइनली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम कई तरह की मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको एक क्वेश्चन 5 सेकंड के लिए मिलता है। ये मॉक टेस्ट देने से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, तो उन सब वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनली जॉब और स्टडी से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए। थैंक यू।